आजकल व्हाट्सएप चैट में देश की पूरी सार्वभौमत्व का दाव लग गया है। मुंबई में रिपब्लिकन टीवी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जब उसकी चोरी पकड़ी गई, इसका नाम अर्णब गोस्वामी है, उस समय इसने अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया था। और आज जो पार्थोदास गुप्ता बीआरसी का चीफ था, आईसीयू में है। हम प्रार्थना करते हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, जिसे और भी बातें बाहर निकले। उसकी चैट जो अर्णब गोस्वामी से हुई है, इसके बारे में मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके इन दोनों का नार्को टेस्ट करवाइए और पूरी वीडियोग्राफी करिए और देश की जनता के सामने रखिए कि क्या ये हो रहा है। ये तो सिर्फ चैट है, इन दोनों के जो मोबाइल या दोनों के और भी जगह कहीं कहीं जो बात हुई है, पूरी बात वो भी देश की जनता के सामने आए तो अच्छी बात है, जरूरी है। ये कोई ऑर्डिनरी चैट नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 इसमें लगता है। और एक सरकार जो थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था 1965 में, इतना ही नहीं, इन्होंने मिस मंडे मील्स, सोमवार को आपका एक समय का खाना छोड़ दीजिए, देश की जनता ने भरोसा करके श्रद्धा से विश्वास से देश के प्रधानमंत्री की बात मानी थी। आज एक दूसरी सरकार है जो जय जवान जय किसान की जगह मारो जवानों को मारो किसानों को, चाहे पुलवामा में जवानों का तो शहीदी हुई, इनका कत्लेआम होता है, अटैक होता है इनके ऊपर। गलवान घाटी में 25 जवान हमारे चाइना बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं, और अभी जो सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के पेरीफरी में 2 महीने से तकरीबन किसान बैठे, तो 100 जितने किसान तो वहां बेचारे ऐसे ही मर गए, कईयों ने सुसाइड कर दिया। तो मरो किसानों या मारो किसानों को, मारो जवानों को या मरे जवानों को, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता के लिए, इलेक्शन के लिए, वोट के लिए ऐसी आज की देश की सरकार जो बीजेपी की दिल्ली में बैठी है वो बिल्कुल निर्लज है, बेशरम है, दयाविहीन है, विश्वासघाती और झूठी है और फरेबी गवर्नमेंट है। ये सरकार आज जो बैठी है, इसके बेस में अगर हम जाना चाहे तो हिंसा और अत्याचार में मानने वाली सरकार है। गोधरा से शुरू करिए हिंसा का अत्याचार का मामला, वहीं से लेकर यहां तक, मतलब आज तक, पुलवामा तो 2-3 साल हो गए, लेकिन अभी भी जो हो रहा है उसमें एक गोडसे और गोधरा कांड वाली सरकार, ऐसे गुजराती तो यहां से अभी दिल्ली में है, तो गोधरा से अक्षरधाम, पुलवामा, बालाकोट और आज दिल्ली में है। इन्होंने जवानों किसानों का खून किया है ऐसा नहीं, जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स है इनका भी खून किया है। और सीबीआई है, गवर्नमेंट का तोता समझिए, ईडी है, लगाया था संजय राउत के पीछे अभी पुराना मामला निकालकर, सीएजी है, जिस चोर कंपनी को इन्होंने बेच बनाकर यूपीए सरकार में जो
निकाला था टेली कम्युनिकेशन का, ये राजा और करीमोजी और जो भी है, अभी वो बीजेपी का आदमी रहा वो उस समय सीए जी का, आईटी है, सीवीसी है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, आरबीआई है, और आखिर पार्लियामेंट भी, सब इंस्टीट्यूशन का एक खूनी आज की गवर्नमेंट है। पूरे राइट्स इनके इन्होंने जान बूझ कर प्रेशर से, दबाव से, या अपनी बात मानने वाले लोगों का पोस्टिंग करके इन्होंने वहां सब एक कब्जा कर रखा है। और देश की कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है हमारा कि हम भारत के लोग, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो प्रियम्बल है उसको पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, जो गोदी मीडिया कहते हैं वो प्रोस्टिट्यूशन जो बहरे है हमारी वेशाएं है, ये मीडिया गोदी मीडिया की वेशाएं है। वो बहने हमारी मजबूरी से अपने माता पिता की सेवा के लिए, परिवार का घर संसार चलाने के लिए अपना शरीर बेचती है, ये लोग अपना जमीन बेचते हैं चंद टुकड़ों के लिए, टीआरपी के लिए, पैसे के लिए, गलत प्रेस्टीज के लिए। ये इनका मैं ज्यादा कसूर नहीं निकालता हूं। देखिए, जो भी मीडिया है वो एक कॉमर्शियल चीज है। जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो अपने आप को उसमें फिट करे, वो देश सेवा के लिए मीडिया नहीं है। ये लोकशाही का जो चौथा खंभा कहते हैं वो ये नहीं है, ये तो कॉमर्शियल है। अदानी अंबानी की दुनिया वाले लोग हैं, इनको देश सेवा से या देश लाज से या राष्ट्रभक्ति से कोई मतलब नहीं है, इनका कसूर नहीं है। मैं इसमें अर्णव गोस्वामी का कसूर नहीं निकालता हूं। ये जो मामला है पूरा, इज लाइक अ बार्किंग डॉग। मैं तो बहुत कम देखा है उसको, लेकिन जब कुत्ता भसता हो या भौंकता हो, पक 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 पक, जिसका कोई लेवल नहीं है, ऐसे आदमी की पहुंच पीएमओ तक है, उसकी कॉल डिटेल निकालिए, पीएमओ में से कितने बार वो वहां मिलने गया, किसको किसको वो मिला, वो भी पूरा निकाल कर देश की जनता के सामने रखना चाहिए। क्योंकि ये कोई कुत्ते को टुकड़े डाले, मांस का और खा गया, वो मामला नहीं है। राष्ट्रभक्ति का मामला है, देशदास का मामला है। और इस हिसाब से जो आज पूरे देश को इन्होंने अपने चार पांच लोगों के कब्जे में, लोग कहते हैं, मैंने कई मीडिया में सुना कि कोई 5 लाख जिम्मेदार थे बालाकोट या पुलवामा की सीक्रेट जानने वाले। डिफेंस सीक्रेट जानने के लिए सिस्टम है, उसे कमिटी भी होती है, लेकिन मैं 5 में किसी को नहीं जिम्मेदार मानता। 5 में होम मिनिस्टर होते हैं, वो भी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो भी रिटायर्ड आदमी है, वो भी प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर वो भी प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं। ये कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई एक जिम्मेदार है, पूरा एक कॉन्स्पिरेसी हुई, पूरा जो ये चैट में जो बताया गया है वो, उसमें जो पुलवामा और बालाकोट की 2-3 दिन पहले अर्णव गोस्वामी को जो बात लीक हुई, इसके लिए एक आदमी जिम्मेदार है तो इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 5 लोग नहीं, एक ही आदमी। इन्होंने पूरे देश को 2 भाग में बांट दिया है, गवर्नमेंट, आरएसएस, वो जो लोग है, या गोदी मीडिया, बाकी का देश सामने। जिसने भी थोड़ा भी सरकार के सामने कुछ बोला, देशद्रोही है। ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले ये लोग, वही राष्ट्रद्रोही है। ये राजद्रोह, या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, उसमें जो बातें लिखी है, मैं डिप में नहीं जाना चाहूंगा,
शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 का अंग्रेजों के समय का एक्ट बना है। इसमें कोई भी आदमी ऐसी बात लीक नहीं कर सकता है जो इन पैरामीटर में नहीं आता है। वो लीक करता है तो इसके ऊपर एक्ट लगना चाहिए, देशद्रोह का, राजद्रोह का। तो अर्णव गोस्वामी पर तो लगे क्योंकि वो मेन है, लेकिन जिसने उसको बातमी दी, इंफॉर्मेशन दी या लीक किया, वो सिर्फ प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया हो सकते हैं और कोई नहीं, दूसरा कोई इसमें नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो चीज है इसमें भारत सरकार ये सो कॉल गवर्नमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। पुलवामा और बालाकोट के बारे में मैंने जहां जब हुआ तब रिएक्शन उस समय दिया था, इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहला रिएक्शन गोधरा का भी हमने दिया था, अक्षरधाम का भी दिया था। पुलवामा में हमने कहा था कि गुजरात के रजिस्ट्रेशन वाली गाली, किसी ने हमको बताया कि वहां थी, जब फ्लैग मार्च होता है आर्मी का तब कुत्ता भी बीच में नहीं आता, गाली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको कैसे मालूम कि पुलवामा में कुछ होने वाला है? ये ओएसए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यहां भंग होता है, उसको तो जिसने बताया होगा, लेकिन हम इनको जानते हैं कैसे कल्प्रिट क्रिमिनल ये लोग हैं। इसलिए अगर गोधरा में कहा था, अक्षरधाम में कहा था, पुलवामा भी हमने कहा था कि ये गवर्नमेंट की मेहरबानी से हुआ है। इसलिए अगर गोधरा में कहा था, अक्षरधाम में कहा था, पुलवामा भी हमने कहा था कि ये गवर्नमेंट की मेहरबानी से हुआ है। और मालूम पड़ने के बाद प्रधानमंत्री अपनी जो शूटिंग है कोई रोकता नहीं है, क्या देश के जवान है, हमारा जवान नहीं है? इनकी शहीदी का आपको मालूम नहीं था? अगर मालूम नहीं था तो आपको प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। अगर मालूम था फिर भी आप शूटिंग करते तो आप देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, कल्प्रिट है, दयाविहीन है। ये मामला देश की जनता को देखना चाहिए कि व्हाट इज दिस, क्या आपका शूटिंग इंपॉर्टेंट है या इतने लोग मर गए बेचारे, आपकी गलत फहमी से? हो सकता है आपका प्लानिंग, जो भी उसने कहा कि ये प्लानिंग था, चुनाव में जीत मिलेगी। बालाकोट का भी हमने कहा था, एक कौवा मरा है और कोई नहीं मरा है, सिर्फ मार्केटिंग है। यानी कि देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए मीडिया का, गोदी मीडिया का मिसयूज करके मार्केटिंग 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 24 घंटे लोगों के दिमाग में, और ऐसे गंदे लोग भौंकने वाले, बिना समझे गाली गलौज करने वाले, ये सब की मेहरबानी से वोट मिल गए, सरकार बनी। हो सकता है गवर्नमेंट मे कम एंड मे गो, लेकिन आखिर हो क्या रहा है? इतने जो इंस्टीट्यूट पूरे आपका, जिसका मर्डर किया, जुवानों का मर्डर किया, किसानों का अभी शहीदी हो रही है बॉर्डर पर, यानी कि ऐसी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को कम से कम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट देश के प्रधानमंत्री पर लगना चाहिए। और थोड़ी भी अगर मॉरालिटी है जो नहीं है, थोड़ी भी शर्म है जो नहीं है, तो 26 जनवरी को जो मार्च पास होता है उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद देश की जनता की माफी मांगकर, किसानों से एडवांस में माफी मांग लीजिएगा कि मैं मार्च पास के बाद मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, मेरे को माफ करिए, मेरी गलती हो गई, और अपने आप को पूरी गवर्नमेंट के पीएम से रिजाइन करना चाहिए। और आरएसएस वाले थोड़े भी अगर कुछ दम वाले लोग हैं तो अरुण जेटली के बारे में जो कहा गया, वाजपेयी जी के भी कहते कि 14 अगस्त को स्वर्गवास हो गया था, जेटली भी ऑक्सीजन पर थे,
इनको शर्म नहीं है, जिस आदमी ने पूरी सरकार में मेन आदमी था, हम साथ में राजनीति में आए थे 74-75 में, वो मर जिंदा है उसके लिए ऐसे ऐसे खराब लफ्ज, और बीजेपी वाले आरएसएस वाले इतने गए बीते हैं, इतने तलिया चाटने वाले हो गए, सत्ता के भिखारी हो गए, वो लोग पावरलेस हो गए, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, वाजपेयी को आप नहीं मानते थे, मत मानिए, तो प्योर आदमी था, और अपना अपना अपनी नादुरुस्त तबियत तो पार्टी की सेवा करते करते हुआ, गुजरात सरकार इसने बचाई, पूरी कॉन्स्पिरेसी थी उसने सीबीआई को एडजस्ट करके उसने सबको बचाया। उस आदमी को सिर्फ आउट ऑफ इंडिया से कहेंगे कि हाँ ये अच्छे दोस्त थे, व्हाट इज दिस, और ना गोस्वामी उसको जिंदा रखेगा या मारेगा। आरएसएस वाले भी बिल्कुल सत्ता लालचू चोर हो गए, इसलिए ये जो चीजें है वो कहने के लिए कि अलग किस्म की गाड़ी चल रही है कि मीडिया के ऊपर एलिगेशन, मैं नहीं करता, कॉमर्शियल लोग है तो कॉमर्शियल करेगा, अदानी अंबानी है तो वो तो बिजनेस करेंगे, देश को खरीदेंगे, सबको खरीदेंगे, वो खरीदेगा, लेकिन जो बेचने वाला है अपने आप, देश की सरकार उसके गिरवे रख गई, तो वो तो है। इसलिए मैं इसमें सबको नहीं मैं ऐड करना चाहता हूं, इंक्लूडिंग अर्णव गोस्वामी। दो बातों में मेन है, इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भंग उसने किया है, बाकियों का जो हुआ होगा मैं डिटेल मेरे को नहीं पता, लेकिन उसने बालाकोट और जो पुलवामा में उसने कहा है कि ऐसा हो रहा है, यानी कि सीक्रेट उसने ओपन किया बिफोर शेड्यूल, तो नहीं कर सकता है। मेरे पास एक पूरा एक्ट है, उसमें डिटेल है, मैं टाइम आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन वो इसलिए उसके ऊपर तो वो लगे, लेकिन वो जो मालिक है उसका, जिसने उसको इंफॉर्मेशन दी, और वो पांच लोग नहीं, लोग पांच लोग को गिनते हैं, डिफेंस होम एनएसए नए एक ही आदमी, और जिसका डेजिग्नेशन है दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, 7 लोक कल्याण मार्ग जो भी है, जिसमें लोगों का कल्याण ही नाश हो रहा है, यही चीज कहने के लिए मैंने आपको बुलाए हैं, और कोई चीज मैं अभी याद नहीं है, लेकिन जो होगा तो मैं आपको कहूंगा, इसके कनेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैंने नार्को टेस्ट की डिमांड की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, दूसरे फोन इनका इनकी बातें हुई होगी, पीएमओ में इनकी पहुंच है, मंत्रिमंडल का पूरा मालिक है ये देश का कैबिनेट का मालिक ये है अर्णव गोस्वामी, मंत्री इसके लिए ठीक नहीं है, मंत्री तो दुनियात लोग है, विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट, विच काइंड ऑफ कैबिनेट, एक कैबिनेट का मालिक तो यह है, ये सुपर प्राइम मिनिस्टर गोस्वामी है क्या, तो सुपर प्राइम मिनिस्टर और रियल प्राइम मिनिस्टर दोनों को आप जो भी एक्ट के नीचे कार्रवाई करनी है वो करे, और बिफोर दैट, और जो भी एक्ट के नीचे कार्रवाई करनी है वो करे और बिफोर दैट, और मॉरल ग्राउंड पर वन शुड रिजाइन इमीजिएटली, 26 तक भी इंतजार करना जरूरी नहीं है, लेकिन 26 का किसानों का एक है और देश का रिपब्लिकन डे है, और रिपब्लिकन टीम का मामला है, इसलिए रिपब्लिकन डे तक चलिए, कोई बात नहीं, पूरा होने के बाद जाइए राष्ट्रपति के पास दे दीजिएगा, आई एम सॉरी, देश की जनता की माफी मांगिए, इसके लिए मैंने आपको एक एक दिशा पकड़े, देश की जनता दिशा पकड़े, कितने बेवकूफ हम बन रहे, कितने गलत ढंग से मार्केटिंग के मीडिया के माध्यम से हमको कितना बेवकूफ बनाया जाता है, और वोट लेने के बाद आप मरो, जो भी हो आपका, चाहे जीएसटी डालो, नोटबंदी डालो, मगवरी डालो, जो भी करो, किसान एक्ट में कायदे डालो, पब्लिक मरे ही नहीं, अपना उल्लू सीधा रहना चाहिए, अपना पावर मेंटेन रहना चाहिए, लोगों का बेवकूफ बनाकर वोट मिलने चाहिए, इसके लिए चाहे जवानों को मारो, किसानों को मारो, हत्या करो, हिंसा करो, जो भी करो करो, बस हमारे लिए देश जिंदा रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको तकलीफ दिया, इसके रेफरेंस में व्हाट यू लाइक टू आस्क मी, प्लीज यू मे आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मैटर। यू आस्क दैट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। यस, हाउ? सुप्रीम कोर्ट में एक जज को राज्यसभा में भेजते हैं, जिसने राम मंदिर का दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भगवान नहीं होते, न्याय मंदिर में बैठने वाले सब भगवान नहीं होते, अभी किसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी दे, किसने कहा था कि आप कानून के लिए दो ब्रेक लगाइए बीच में, हु टोल्ड हिम, क्यों जवाब नहीं है इनके पास, सुप्रीम कोर्ट
जजेस भी मैनेज हो सकते हैं। वो ये कहता है, पार्षद कहता है, अरुण गोस्वामी कहता है, जज को खरीदो, और जज खरीदे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज राज्यसभा में ना बोलना, ऐसा एक्ट होना चाहिए। जज खरीद लो, भाजपा राज में सकता है। कोर्ट कब इस पर संज्ञान लेते हुए अर्णव के खिलाफ कार्यवाही करेगी? ये टॉक है, व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट है, इसी मैंने सब चैट ऐसे शॉर्ट में बनाया हुआ। ये कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट कोई खुदा नहीं होती है, जनता की भावना है। अभी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर सो मोटो इनके ऊपर लगाना चाहिए। ऐसे थोड़ा भी अगर बोबड़े में कुछ है, नागपुर के कोई इनके आरएसएस के संस्कार अगर है तो आई डू नॉट नो, तो इमीजिएटली देशभक्ति दिखानी चाहिए। इसमें किसी की परवानगी लेनी नहीं है। सब अरबन और पार्थो के साथ पीएम के सामने राष्ट्रों का गुना लगाना चाहिए। मैंने वही कहा कि ये अर्णव के ऊपर, तो अर्णव ने दो बातों में लीक किया है, पुलवामा और बालाकोट, लेकिन लीक करवाने वाला को...